आंसर सेशन कर देंगे। गुप्ता सर प्लीज कैरी ऑन। सर। थैंक यू दिनेश जी, सभी यस दोस्तों को एक बार फिर से नमस्कार। चिंटू जी ने जो बताया ऑस्टियोपोरोसिस, इसका मेरे घर में एक एग्जांपल बहुत ही बर्निंग और बहुत ही एकदम सीखने वाला है। उसमें मेरी सबसे बड़ी बहन जी 74 साल की उम्र है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अब ठीक ठाक हो गई है। इनका बॉडी वेट बहुत कम रहा हमेशा, लीन एंड बिल्कुल। तो धीरे 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 अपना उनको खाने पीने में लापरवाही, घर की लेडीज को तो आपको पता है कि वो सब बच्चे खा लें फिर हम देखेंगे बचा कुचा। उसके चलते चलते क्या हुआ कि जब रिटायर भी हो गई, रिटायर होते होते तक उनको तमाम शरीर की समस्याएं थी, बताया किसी को नहीं, अल्टीमेटली एक दिन कोलैप्स कर गई, बैठ बैठ गई और उठ नहीं पा रही। देखा गया इनको, ले करके गए, हमने कहा कि ये तो कुछ बोन की समस्या लगती है, लेकर गए यहाँ स्पाइनल इंजरी है बसंत कुंज में हॉस्पिटल। उधर उन्होंने, डॉक्टर ने देखा, उन्होंने कहा कि आपके तो उनके जो लंबर रीजन की जो वर्टेब्री है वो फ्यूज हो गई है, आपकी 3 वर्टेब्री फ्यूज हो गई है और इनका तो ऑपरेशन करके अब हम इसको ठीक नहीं करेंगे तो और गड़बड़ होगी। ऑपरेशन करे तो कैसे करें, ऑस्टियोपोरोसिस बहुत जबरदस्त है, हुई कैसे? पता लगा कि कैल्शियम और विटामिन D3 में जबरदस्त लापरवाही हुई है। उनका ये कहना था कि आपकी जो हाइट है और आपका जो वेट है, वेट आपका कम है इसलिए आप बच गए, जिंदा हैं, वरना अभी तक आप इतने दिन मुझे तो सरप्राइज की इतनी ऑस्टियोपोरोसिस, आप जिंदा कैसे हैं सर? उसके बाद पहले उनका ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज चला, 2 साल तक डेली एक इंजेक्शन लगा 2400 रुपये रोज का, और वो वाह इंजेक्शन भी सर ऐसे नहीं मिलता है, वो 3-4 इंजेक्शन का एक वो आता है, पैक आता है, और वो उसके साथ वो थर्मोकोल का डिब्बा बर्फ में लगा के फ्रीज करके वो तब लाता है और रखता है, उसको नहीं रखना, उसको गलने नहीं देना है, लगाने के पहले तोड़िए, लग जाए तभी इफेक्टिव है। ये 2 साल तक चला और उनको जो है ना ये दंश झेला, और 2 साल के बाद रिकवर हुई। ये इंजेक्शन ऐसा है सर कि ये लाइफ में केवल एक बार ही लिया जा सकता है, तो वो उनका कोटा पूरा हो गया। अब उनको 6 महीने में एक बार एक इंजेक्शन लग रहा है, ठीक ठाक है। तो ये एक बड़ी बड़ी लंबी एक बड़ा लंबा भुगतान किया अपना, उन्होंने अपना स्वास्थ्य का भी नष्ट किया। बोन एंड जॉइंट एंड बोन केयर पर आज कुछ थोड़ी सी नई जानकारियां भी हैं हमारे पास, और उसके बाद एक और भी नई जानकारी है जो मैं चाहूंगा कि हम सब मित्र लोग अपना उसको उसका लाभ उठा लें। शरीर का 15 भाग स्केलेटन होता है, 15%। 100 किलो का शरीर अगर है, 15%, हम 60 किलो का है तो उसके हिसाब से आप वो 15% लगा लीजिए कि ये बोन एंड ज्वाइंट की जब हम बात करते हैं तो ये केवल बोन एंड ज्वाइंट नहीं है। इसको समझने के लिए हमें पूरे स्केलेटन सिस्टम को समझना पड़ेगा, और इसके लिए इसमें 4 कंपोनेंट हैं इसके, जिनको ये हमें आज ये देखना है। हड्डियां, बोन, लिगामेंट्स, टेंडन और जॉइंट्स, ये चारों मिलकर के बोन एंड जॉइंट केयर का पार्ट बनाएंगे। हड्डियों की हम बात करें तो बड़ी काफी बात हम कर चुके हैं, अभी लिगामेंट्स टेंडन्स को हम थोड़ा टच करेंगे, इसमें जॉइंट्स को हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। स्केलेटन सिस्टम का काम हमने देख लिया है कि ये शरीर को सहारा देता है, इसके बिना मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, जो हमारे चेस्ट और हार्ट वगैरह हैं, जो वाइटल अंग्स हैं, वो सुरक्षित रहते हैं बोन की वजह से, वो ब्लड हमारा बोन मैरो में बनता है, कैल्शियम मिनरल चिंटू जी ने बताया, ये एक स्टोर का काम करता है और बॉडी की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। बॉडी ग्रो कर रही है, हड्डियां ग्रो नहीं करेंगी आप तो माटी का लोदा हो जाएंगे, ये भी साथ में ग्रो करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के जब एक मंजिल ऊपर डल रही होती है तो हमें सरिया और कॉलम और ऊपर उठाने पड़ते हैं, तो ये वही काम करता है। कैल्शियम की कमी से हड्डियों से कैल्शियम निकल के चला जाता है, और वही काम हुआ जो मेरी बहन जी के साथ हुआ, और उसके बाद फिर एक लंबी रकम गई और लंबा स्वास्थ्य गया उनका, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। हड्डियों की बात की हमने, काफी कर ली है। ये आप देखिए कि ये भी एक टिश्यू है, बोन इज ऑल्सो एक टिश्यू, टफ हार्ड टिश्यू है,
और इसके पांच तरीके की ये बोन्स होती हैं हमारे शरीर में। एक तो लंबी बोन होती है, जैसे हमारे पैर में जांघ की फीमर होती है, ऐसी ऐसी हड्डियां होती हैं, इनको लंबी हड्डियां लॉन्ग बोन्स कहते हैं। इन लॉन्ग बोन्स के अंदर जो है ये पूरा वेट संभालती है, मूवमेंट में ये मदद करती है, और इनके अंदर बोन मैरो होती है। जितनी लंबी हड्डियां होंगी उनमें आपको बोन मैरो मिलेगी, छोटी छोटी हड्डियों में बोन मैरो नहीं मिलेगी आपको। दूसरा है छोटी कलाई, छोटी छोटी बोन, स्मॉल बोन। ये कलाई के जो है कार्पल इनको कहते हैं, इस तरीके की हड्डियों को ये टखने और कलाई के जोड़ों में स्टेबिलिटी मूवमेंट कराती है। ये छोटी छोटी हड्डियां हैं। यहाँ एक चीज आप देख रहे होंगे, इस पर एक ये इनको कार्पल है, मेटा कार्पल है, इनको जो इनके ऊपर कुछ ये TMTD CHSL PRP लिखा हुआ है, ये इनके नाम है। अगर मेडिकल का जो स्टूडेंट होता है कोई आपकी नॉलेज में हो उससे पूछना, एक उसको स्टेटमेंट याद दिलाना कि भाई श्याम लाल टिंडे पकाओ, टिंडे तो कच्चे हैं। ये तरीका है इसको याद रखने का, श्याम लाल SL, टिंडे T, पकाओ P, टिंडे TMTD तो कच्चे हैं। इस तरीके से याद किया जाता है, और ये एक ऐसे ऐसे फॉर्मूले बड़े सारे हैं मेडिकल लाइन में जो इनसे हुए। ये मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था, आज मुझे वो याद आया तो मैं कहा आपसे साथ शेयर करूं। एक फ्लैट बोन होती है जो पसलियों की जैसे मस्तिष्क हृदय फेफड़ों में आंतरिक अंगों की रक्षा करती है। फ्लैट बोन को हमारी मस्तिष्क में, सिर में भी ये जो है ना बोन्स फ्लैट बोन्स कहलाती हैं। ये इररेगुलर बोन्स है, इररेगुलर बोन है ये, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी सी होती हैं, ऐसी कई प्रकार की होती हैं, वर्टिब्री बी वन ऑफ देम। और ये हमारे जो वर्टिब्री के इसमें यहाँ पर देखिए ये जो होल है, ये जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम का ये पूरा अंदर से चलता रहता है, ये इसको सपोर्ट करती है, इसको जो है हमको वो सुरक्षा देती है। हाइपोइड बोन जो है वो हमारा जो गले में है, जब हम बोलते हैं तो यहाँ फेरिंग होता है, वो उसको वो प्रोटेक्ट करती है। और सेस्मोइड बोन्स जिसे कहते हैं, जैसे घुटने का ये एक टोपी होती है इस तरीके की, ये पटेला है कि इसको कहते हैं, आमतौर गोल हड्डी और घुटनों की नी कैप जैसी है, ये वहां के टेंडनों की रक्षा करती है। टेंडन क्या होते हैं अभी हम इसको देखते हैं, लिगामेंट और टेंडन की बात करते हैं। लिगामेंट्स घने सफेद रेशेदार इलास्टिक का एक छोटी पट्टी होती है जो हड्डियों के सिरों को आपस में जोड़ती है और विभिन्न अंगों को अपनी जगह पर रखती है। ये देखिए ये घुटने का ज्वाइंट है, इसमें जो ये लाल घेरे में दिखाए हैं ये हैं लिगामेंट्स, दोनों हड्डियों को पकड़े हुए हैं। टेंडन की बात करें, टेंडन जो है ये रेशेदार कनेक्टिंग टिश्यू है जो सख्त और बिना इलास्टिक वाला बैंड है, बिल्कुल एकदम मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, रस्सी की तरह होता है। इसको आप जब वो इसको एक्चुअल में देखते हैं ना, हम इसको एक्चुअल बॉडी से निकाल करके, तो बिल्कुल एकदम टाइट रस्सी की तरह होता है। और ये टेंडन है यहाँ पर, ये भी घुटने के ऊपर, ये देखिए वहां पर, ये इस तरफ ये लिगामेंट्स हैं, इस तरफ ये टेंडन है। तो ये चार, चौथा पॉइंट है जॉइंट। जॉइंट जोल के जोड़ के स्केलेटन को पकड़ते हैं और मूवमेंट कराते हैं। इनके जिस प्रकार की इनकी बनावट होती है, जो इनका काम होता है, उस हिसाब से इनको पांच इसको हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिप और शोल्डर में ये पाया जोड़ पाया जाता है। इधर आप ये देखिए, यहाँ दो आप देख रहे हैं, ये जो एक बॉल सॉकेट जॉइंट यहाँ पर दिख रहा है, ये एक छोटी सी यहाँ पर ये हड्डी है, इस हड्डी को फीमर नेक कहते हैं। ये फीमर हड्डी है, ये पेल्विक गर्डल है जो कूल्हा, ये बीच का छोटा सा भाग है, ये फीमर कहलाता है, फीमर नेक। इस हड्डी में ना तो कोई ब्लड सप्लाई होती है और ना कोई इसको न्यूट्रिशन पहुंच पाता है, यही सबसे फ्रेजाइल है। कभी कभी जैसे बुजुर्ग लोग खड़े खड़े बैठ के गिर जाते हैं, पता लगा जी गिर गए, वो उनका फीमर नेक फ्रैक्चर खड़े खड़े हो जाता है, वो भंगुर हो जाता है। तो इसका एक ही उपाय है कि हम कैल्शियम इतना पंप करके रखें कि यहां कुछ ना कुछ तो पहुंच जाए, ये हमें इतना करना पड़ेगा, तब जाकर के इसकी हेल्थ हमारे बुढ़ापे तक इसकी बनी रहेगी। वरना फीमर नेक फ्रैक्चर 50, 60, 70 के बाद आम उसमें देखा गया है। दूसरा है कॉन्डिलाइट जॉइंट्स, जो दो तरफ की गोलाई में घूमता है, जैसे उंगलियों के जोड़। यहाँ पर ये देखिए कप दिखाया है जिसमें ये दो प्लेन्स में ये घूमता दिखाई देता है। आप अपनी उंगली उंगलियों को जोड़ और कलाई का जोड़ देखिए, आप लेफ्ट राइट भी ऊपर नीचे ये कर सकते हैं, इसको कॉन्डिलाइट जॉइंट बोलते हैं।
तीसरा सैडल ज्वाइंट होता है जो अंगूठे का होता है। अंगूठे को आप देखिए, ये गोल भी घुमा सकते हैं और कान में एड़ी में भी, एड़ी भी गोल घूम जाती है, इसके कॉन्डिलेक ज्वाइंट ज्वाइंट बोलते हैं। चौथा ज्वाइंट होता है पिवट ज्वाइंट, ये घूमने की इसकी अनुमति होती है, जैसे हाथ बाहर की ओर घुमाया, यहाँ देखिए ये हाथ का मूवमेंट है, आप हाथ पूरा ऐसे टेढ़े मेढ़े कर सकते हैं, ये कॉन्डी पिवट ज्वाइंट होता है। और इसी तरह गर्दन का जो है, एक ही गर्दन पर दाएं बाएं हम करते हैं, ये भी एक पिवट ज्वाइंट होता है, जो कि हमारी सिर जो है वो सबसे ऊपर वाली वर्टेब्रा में दो उसके नॉच होते हैं, नॉच के ऊपर हमारा ये पूरी की पूरी खोपड़ी उसके ऊपर रखी हुई होती है। ये हिंज ज्वाइंट है, इसमें आप देखिए फिर वंस अगेन यहाँ हमने घुटने को लिया है, क्योंकि घुटना सबसे बड़ा ज्वाइंट है हमारे शरीर का। इस हिंज ज्वाइंट में केवल एक दिशा में गति होती है, लेकिन घुटना थोड़ा सा और टखना जो है ये थोड़ा सा है कि दाएं बाएं भी थोड़ा बहुत मूव कर जाता है, पर ना ये एक ही इसमें साइड में हमको ये टू साइड टू साइड मूवमेंट केवल दो जगह पर होता है, बाकी और नहीं होता। यहां पर आइए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं बॉडी बेसिक्स में बीएमआई, हमारा बॉडी मास इंडेक्स है ये। इसके ऊपर काफी कुछ हमारा दारोमदार हमारी लाइफ का, हमारी लॉन्जिविटी का होता है, घुटनों के हेल्थ पर इसका बहुत बड़ा रोल है। किसी व्यक्ति की ऊंचाई और वजन के आधार पर बॉडी फैट की गणना की जाती है, इसको बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। सॉरी, एक हेल्दी बीएमआई 20 से 25 के बीच होता है, 20 से कम अंडरवेट होता है और 25 से अधिक ओवरवेट कहा जाता है। यहां देखिए, हमने देखिए ये पीली लाइन, सॉरी ठीक है, यहां पर नॉर्मल वेट का जो बीएमआई दिखाया गया 18.5 से 24.9, 25 से कम है यहाँ, ये नॉर्मल वेट है। ये कहाँ से आता है, आप गूगल में जाइए, बॉडी बीएमआई कैलकुलेटर आप निकाल लीजिए, उस पर आप अपना हाइट डालिए, अपना वेट डालिए, वो आपको तुरंत कैलकुलेट करके दे देगा कि आप नॉर्मल हैं कि ओवरवेट हैं, 25 से 29 के बीच में हैं, 30 से 35 के बीच में ओबेस कहलाएंगे, थोड़ा मोटे कहलाएंगे, 35 से 40 के बीच में सिवियरली काफी मतलब गंभीर ओबेस हैं, और ये जो है 40 से ऊपर हैं इनको तो फिर आप बिल्कुल एकदम गंभीरता ही गंभीरता है इसमें। ये बॉडी मास इंडेक्स हमारे कितना, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए और कितना हमारे लिए सीरियस है, ये अब मैं बताना चाहता हूं आपको। प्रत्येक किलो ओवरवेट बॉडी मास वेट जोड़ पर 1 किलो 4 किलो के बराबर का दबाव डालेगा, 1 किलो 4 किलो के बराबर दबाव डालेगा, यानी अगर 20 किलो मेरा ओवरवेट है तो 80 किलो का वजन के बराबर वो जोड़ पर दबाव पड़ रहा है। ये बहुत ही गंभीर सिचुएशन है जिस पर लोग, हम लोग सोचते नहीं, समझते नहीं है इस चीज को, और घुटने इसलिए सबसे ज्यादा खराब हो रहे हैं। 15 किलो अधिक वजन घुटनों पर 60 किलो के बराबर दबाव डालेगा, इसको हमारे सभी अपने हमारे साथी इसको ध्यान दें, इसलिए उम्र के साथ स्वस्थ वजन रखना हड्डियों और जोड़ों के लिए बहुत जरूरी है, वरना दोनों घुटने नी रिप्लेसमेंट आपके 5-7 लाख-8 लाख रुपए लगने ही लगने हैं। ये बॉडी मास इंडेक्स है, इसका सब लोग अभी आज ही कैलकुलेट कीजिएगा अपने गूगल में जाकर के। हमारे जन्म में 270 हड्डियां होती हैं, लेकिन फ्यूज होकर वो 206 रह जाती हैं, लेकिन 206 हड्डियां तो होती हैं, इनके बीच में 360 ज्वाइंट होते हैं, 360 ज्वाइंट हमारे बीच में, इन 206 हड्डियों के बीच में होते हैं। 30 साल तक की उम्र तक बोन और मास डेंसिटी सबसे अधिक पहुंच चुकी होती है, और इसके बाद उसका क्षरण होने लगता है, हड्डियां इसके बाद अब बनती नहीं है, फिर कमजोर ही होती हैं। इसलिए चिंटू जी कह रहे हैं कि भैया उसके बाद 30 के बाद आपके दवा आपके ड्रॉर में न्यूकल डीएस होना ही चाहिए, रोज रात को आपको इसको खाकर एक कैप्सूल सोना चाहिए। इसमें अपने आप के फ्रैक्चर भी होने की संभावना हो जाती है, और हड्डी जोड़ की जो देखभाल इसलिए बहुत जरूरी है 30+ में। मुख्य समस्या है डिसलोकेशन है, जिसका हमारा कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि दोनों को उनको पकड़ करके प्लास्टर बांध दिया जाए। मोच का तो
आराम करिए और उसमें गर्म पट्टी बांधिए, सिकाई कीजिए और वो टिश्यू को जो है उसका खिंचाव को उसको ठीक करना है। हाँ, एंटी इन्फ्लेमेटरी हमारा जो हल्दी और इनसे हमें उसमें ज़्यादा फायदा मिलता है, कुरकुमीन से इसमें फायदा मिलता है। बर्सेटाइटिस जोड़ का जो है ना, कई एक जोड़ जैसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, खासतौर से एथलीट्स और जो रेस लगाते हैं ना उन लोगों में होता है, जो घुटने और टखने पर, जहां पर वो फ्लूइड की थैली जो चिंटू जी ने बताई कि जो सैनुअल फ्लूइड की थैली सी होती है उसमें सूजन सी आ जाती है, ये जोड़ है इसको अंग को आराम देना ही इसका एक इलाज है। गठिया जोड़, सूजन और दर्द इसके बारे में चर्चा हो चुकी है, ऑस्टियोपोरोसिस को हम लोगों ने टॉप प्रायोरिटी पे और सबसे ज्यादा हमने इसको डिस्कस किया है। ऑस्टियोक्योर, इसमें जो लहसुन का जो इसका मिश्रण है ये इंटेंशनली और जिसमें जो है ना बहुत सोच समझ के डाला गया है, लहसुन, गिलोय, सफेद मुसली, शुद्ध शुंठी और अश्वगंधा इस ऑस्टियोक्योर ग्लूकोसामीन के साथ इसमें डाले गए हैं। इसका पर्पज है ऑस्टियोक्योर में, ग्लूकोसामीन और कॉन्ट्राइटिन जो है ना ये इसकी रिपेयर का जो है ना इसका काम करते हैं, और लहसुन, गिलोय और ये सब उसको एक सर्कुलेटरी सिस्टम की टोनिंग, कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल और गार्लिक जो है उसको मदद करता है। ये सब ये जड़ी बूटियां आयुर्वेद में पेन किलर के रूप में भी उनकी जगह भी इस्तेमाल की गई हैं। जॉइंट पेन ऑयल, इसमें हर्बल अर्क है, सूजन वाले हिस्से में लगा लीजिए, जकड़न से राहत देता है, गठिया में बहुत प्रभावी है। ऑस्टोक्योर के साथ जॉइंट पेन ऑयल का प्रयोग बहुत अच्छा प्रभाव दिखाता है, प्रभावित हिस्से पर सेंक करने से आराम मिलता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं देता हूँ हमारी श्रीमती जी का, कि ऑस्टोक्योर वगैरह की जरूरत नहीं है लेकिन जॉइंट पेन उनको जबरदस्त चाहिए। कारण उसका, दोनों पैरों में, हाथों में, कमर में रात में बढ़िया से अपना लगा करके और उसके बाद सो गए और सुबह जो है पूरे आराम से 5 किलो 4 किलोमीटर अपने बगल के पार्क में खूब चक्कर लगाया। ये उसको जिस दिन नहीं लगाते उस दिन उनको वो थोड़ी सी तकलीफ रहती है, चलने में थोड़ा भारीपन रहता है, थोड़ा सा पेन सा रहता है पैरों में। तो ये नॉट ओनली जॉइंट पेन, ये एक जनरल पर्पस, एक आपका जो है ना लिम्ब्स का टोनिंग भी करता है, मसल टोनिंग भी करता है। न्यूकेल डीएस और विटामिन डी, ये हमारे पास है ही है, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हमें दूर करनी ही करनी है, और ऑस्टियोपोरोसिस इससे हमारी बचती है। आपको ये जानकारी आज दे दूं सर कि जो हमारा विटामिन सी का जो प्रोडक्ट है एआरएल सुपर सी जेड, ये निकल चुका है और 4-5 दिन में पटना में पहुंच जाएगा। इसके बारे में आप लोग प्लानिंग ले लीजिए, आप लोगों को अपना इसका जो थोड़ा जानकारी अपने लेवल पर गूगल से इकट्ठा कर लीजिए, अपने जो फिजिशियंस हैं आपके आसपास उनसे बात कर लीजिए। एक बहुत बड़ी इस वक्त मार्केट विटामिन सी प्लस जिंक की चल रही है, इसका डेली एक टैबलेट ये हम रोज रात को खाने के साथ खा लेते हैं,